हेलो, वेलकम टू लर्न विद एक्सपेरिमेंट। मैं हूं सौरभ। आज के इस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, एक ऐसा साइकिल डिजाइन करने की कोशिश करेंगे जो पानी पे भी चलेगा और जमीन पे भी चलेगा। देखेंगे क्या ऐसा साइकिल बनाना पॉसिबल है या नहीं है। तो यही एक्सपेरिमेंट देखने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, फाइनली इस प्रकार से हम देखिए रेडी कर लिए पानी में चलने वाला साइकिल और जमीन पे भी चलने वाला। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार से हम पैडल मारते हैं, कैसे चक्का के साथ प्रोपेलर भी रोटेट हो रहा है। यही काम करेगा साइकिल को आगे बढ़ाने में पानी में जब इसको हम चलाएंगे। तो अब क्या करते हैं, अच्छे से इसका हम सपोर्ट बना लेते हैं जो पूरे साइकिल को पानी में बैलेंस किया रहेगा और पानी में उठाए इसको रहेगा। तो फाइनली इस टाइप का हम सिस्टम लगा देते हैं जो क्या करेगा, पानी में इस साइकिल को उठाए रखेगा। और इसको हम दो फोल्ड में दिए हैं। एक फोल्ड में क्या होगा कि जब साइकिल को ज़मीन पर चलाएंगे तो इसको थोड़ा ज़मीन से हाइट किए रहेंगे चारों डब्बे को। तो इसको अच्छे से देखिए टाइट कर लिया और इसको देखिए एक सही शेप में बनाई। जब ज़मीन पर चलाएंगे थोड़ा इसको इस साइड में रखेंगे उठा के, जिससे क्या होगा कि ज़मीन में टच नहीं होगा ये सब जो बोतल है। तो दोस्तों देखिए फाइनली मेरा साइकिल अच्छे से तैयार हो चुका है जो पानी में भी चलेगा और ज़मीन पे भी। तो देखिए किस प्रकार से ज़मीन पे चल रही है और पीछे देखिए प्रोपेलर भी नाच रहा है। अब हम फाइनल टेस्टिंग पानी में ले जाके करते, देखते वहाँ इसका क्या रिएक्शन था। ज़मीन पे तो काफ़ी अच्छे से चल रही है साइकिल भी और प्रोपेलर भी। तो दोस्तों इस साइकिल को पानी में चलाने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छे से डब्बे को एडजस्ट कर लेते इस हुक की सहायता से। तो इस प्रकार से हम इसको अच्छे से टाइट कर लिए इस हुक को। अब इसको अच्छे से हम फंसा दिए इसमें, जिस वजह से क्या होगा कि ये हुक खुलेगा नहीं। अब जो ये आगे वाला हिस्सा, इस डब्बे को भी हम डाउन कर देते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो पूरा साइकिल है पानी में चलने के लिए रेडी हो चुका है। अब हम जाते हैं, देखते हैं क्या इसका परफॉर्मेंस होता है, किस टाइप से प्रोपेलर साइकिल को आगे बढ़ाती है। तो हम फाइनली ले चलते हैं साइकिल को पानी में। और अब क्या करते हैं, थोड़ा प्रोपेलर को हम ज़मीन के अथी में कर देते हैं, ज़मीन के लेवल में, जिसमें पानी चलेगा, जहाँ पानी रहेगा, ताकि ये अच्छे से साइकिल को आगे बढ़ा पाएगा। जब तक पूरा प्रोपेलर नहीं डूबा रहेगा तब तक साइकिल सही से आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसको हम अच्छे से एडजस्ट कर देंगे और ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आएगा इसमें तो। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए कैसे साइकिल तैरने के लिए रेडी हो चुका है। अब क्या करते हैं, प्रोपेलर को नीचे कर देते हैं और इसको हम ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे ये चलता है। तो इसको और हम डुबा देते हैं थोड़ा और गहरे पानी में ले जाके, ताकि अच्छे से प्रोपेलर काम करें। तो दोस्तों फाइनल अब क्या करते हैं, इस साइकिल में हम चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए आगे का जो डब्बा है काफी ज्यादा घूम चुका है। तो हम क्या करते हैं, डब्बे को अच्छे से टाइट। तो डब्बे को अच्छे से बांधना। आगे का जो रोड देखिए क्लियर हो चुका है, इसको हम सही से जोड़े नहीं थे। तो देखते हैं कैसे हो पाता है ये। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम में जो भी फेलियर था उसको हम सही कर लिए। यहाँ देखिए अच्छे से सपोर्ट लगा दिया। अब हम टेस्ट करते हैं एक बार फिर से। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए हम चढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं चला के किस प्रकार से ये काम करती है। तो दोस्तों इसमें वजन का बैलेंस सही से नहीं दिया, आगे दो डब्बा देने की वजह से बार बार ये आगे में डूब जा रही है। तो फिर भी हम अच्छे से बैलेंस बना के इसको चलाने की कोशिश करते हैं। तो बार बार ये वजन का अनबैलेंस हो जा रहा है, जिस प्रकार से हम बार बार डूब जा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख ही ले कि इस डिजाइन के साथ ये साइकिल भी सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो ये डिजाइन जो है काफी ज्यादा बेकार बना लिए थे। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे कि काफी अच्छे से डिजाइनिंग करेंगे और इस प्रकार से डिजाइनिंग करेंगे कि पहले चेक कर लेंगे साइकिल को प्रॉपर खड़ा कर पाते हैं कि नहीं पानी में, उसके बाद हम प्रोपेलर का सिस्टम बनाएंगे और जिससे आसानी से हम चला पाएंगे। तो दोस्तों अभी जो ये डिजाइन है देखिए, जैसे ही थोड़ा आगे की ओर फोर्स लगाते हैं कैसे आगे की ओर डूबने लगता है, और पीछे की ओर भी फोर्स लगाते हैं तो गिरने सा लगते हैं। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम काफी अच्छे से इसको हम डिजाइन करेंगे। तो फिलहाल आज के इस सेक्शन में इतना ही। इसी टाइप का एक्साइटिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए।
हम इसी प्रकार का वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।